हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एंजल्स वाली मूवीज़ के बारे में। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 बेस्ट एंजल्स मूवीज़ की लिस्ट को। नंबर फाइव पाती है आई फ्रैंकेस्टाइन। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2014 में, जिसका जेन है एक्शन एंड फैंटेसी। 1 घंटे 33 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में से 5.1 की रेटिंग दी है। 82% के लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स द्वारा दे गए हैं। 20 जनवरी 2014 को इस मूवी को रिलीज किया गया था, और इसकी कास्टिंग में आपको एनहोन और मेरेंडा ऑटो देखने को मिल जाएगी। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। और इस मूवी की स्टोरी इस तरीके से हो दोस्तों कि इस मूवी में जो कि फ्रैंकेस्टाइन नाम का जो बंदा होता है, वह बहुत सी लाशों के टुकड़ों से जोड़कर बनाया जाता है, और वह अपने बनाने वाले को ही मार देता है। और इस मूवी में डेमन्स की और एंजल्स की एंट्री होती है, तो आप इस मूवी को जरूर देखना। एकदम मस्त मूवी है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में है ही। नंबर फोर पाती है लीजन। यह है एक बेस्ट एंजल मूवी है, जो कि रिलीज की गई थी 2010 में, जिसका जेनर है हॉरर एंड एक्शन। 1 घंटे 40 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है। 87% की लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स द्वारा दे गए हैं। 21 जनवरी 2010 को इस मूवी को रिलीज किया गया था, और इसकी कास्टिंग में आपको पॉल बटेनी और लोकस ब्लैक देखने को मिल जाएगी, और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी में, तो आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी की स्टोरी इस तरीके से हो दोस्तों कि गॉड अपनी इंसानियत को ख़त्म करना चाहता है, तभी वहाँ पे एक एंजल आता है, जो कि इंसानियत को बचाने के लिए एक लड़की प्रेग्नेंट लड़की को बताता है कि उसका बच्चा ही आखिरी होप है इंसानियत के लिए। तो आप इस मूवी को देखना, एकदम मस्त और यूनिक स्टोरी है, आपको यह ज़रूर पसंद आएगी। नंबर थ्री पाती है द मोस्टल इंस्ट्रूमेंट सिटी ऑफ बोनिस। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2013 में, जिसका जेन है एक्शन एंड फैंटेसी। 2 घंटे 10 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में से 5.9 की रेटिंग दी है। 92% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दी गई है। 12 अगस्त 2013 को इस मूवी को रिलीज किया गया था, और इसकी कास्टिंग में आपको लिली कोलिंस और रॉबर्ट सीहैन देखने को मिल जाएंगी, और भी बाकी अच्छे अच्छे एक्ट्रेस इस मूवी में आपको नजर आ जाएगी। इस मूवी की स्टोरी एकदम यूनिक होती है, जिसमें एक आधा एंजल और आधा डीमन लड़का होता है और एक लड़की। तो आप इस मूवी को जानिएगा, यह एक हिंदी डबल मूवी है, जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर टू पाती है हैंकॉक। इस मूवी को बहुत से लोगों ने देखा हुआ होगा, क्योंकि यह बहुत बार टेलीविज़न पर आ चुकी है। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2008 में, जिसका जेन है एक्शन एंड कॉमेडी। 1 घंटे 42 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में 6.4 की रेटिंग दी। 89% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दिए गए हैं। 11 जुलाई 2008 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था, और इसकी कास्टिंग में आपको चार्लीज थेरोन, विल स्मिथ देखने को मिल जाएंगे। यह एक अच्छी और मस्त मूवी है, जो कि आपको देखनी तो चाहिए। और यह है वाकई ही एक एंजल मूवी है, जिसमें मूवी में ही बताया गया है कि उन्हें पहले एंजल्स और गॉड बुलाया करते। तो आप इस मूवी को देख लेना, और इसके हाफ में आपको एक अलग ही स्टोरी देखने को मिलेगी। तो आप इस मूवी को जरूर देखना, अगर आपने अभी तक यह मूवी नहीं देखी है। नंबर वन आती है कॉन्स्टेंटाइन। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2005 में, इसका जेन है हॉरर एंड फैंटेसी। 2 घंटे 1 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में से 7 की रेटिंग दी है। 93% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दे गए। 25 फरवरी 2005 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था, और इसकी कास्टिंग में आपको केनू रेविस और रेसेल्स और टाइडा सिटीवन भी देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को देखना, इसकी कास्टिंग भी अच्छी है। और इस मूवी की स्टोरी बताने का पाप मैं नहीं करने वाला हूँ, तो आप इस मूवी की स्टोरी मूवी में ही जानेंगे, और आप इस मूवी को देख लेना, हिंदी लैंग्वेज में मूवी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।